15 जुलाई 2019 को अरुण जब अपनी फैमिली के साथ भोपाल से गुड़गांव में शिफ्ट हुआ तो उसका अपने दोस्तों के बिना मन नहीं लगता था, जिसके चलते वो अपने दोस्तों के साथ पूरा पूरा दिन अपने रूम में बैठा बैठा पबजी खेलता रहता था, जिस वजह से अरुण को उसके मोहल्ले में बहुत कम लोग जानते थे। अरुण हमेशा अपने फोन में घुसा रहता था, जिसे देखकर उसकी मम्मी ने अपने मोहल्ले के बेस्ट ट्यूशन टीचर को ढूंढकर वहां उसका एडमिशन करवा दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। और कुछ दिन बाद फाइनली अरुण का एडमिशन उसके पापा ने दिल्ली के बेस्ट पब्लिक स्कूल में करवा दिया, जिसके बाद फर्स्ट डे जब अरुण अपने स्कूल में पहुंचा तो प्रेयर के वक्त फर्स्ट डे दिव्या को देख उसका मन मचलने लगा। और प्रेयर के बाद अरुण अपनी क्लास में जैसे ही पहुंचा तो ये जानकर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ वो मेरी ही क्लासमेट है, वरना मैं उसे कहां ढूंढता। और स्कूल की छुट्टी के बाद अरुण अपने घर में लेटा हुआ दिव्या के ख्याल बुनने लगा। वो रोजाना स्कूल टाइम से पहले जाने लगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिव्या को देख सके। और ऐसे ही एक महीना बीत गया। अरुण रोज दिव्या को स्कूल में छुप छुप कर देखता, लेकिन दिव्या उसे भाव तक नहीं देती थी। पर फिर भी अरुण ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो उसे लाइक तो बहुत करता था, लेकिन वो दिव्या को अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहा था। पर फाइनली एक हफ्ते बाद अरुण ने दिव्या को प्रपोज करने का सोचा कि कल मैं उसे प्रेयर के टाइम पे प्रपोज कर दूंगा। और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर अरुण दिव्या से मिलने के लिए मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल गया, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा। और इधर दिव्या अरुण को रोज की तरह ना देखकर स्कूल में उसे चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन उसे अरुण कहीं नहीं नजर आया।